वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। ये नाश्ता बच्चे और बड़े सबको पसंद आता है और एकदम जल्दी से बन जाता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई नई वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये पोटैटो बाइट्स का टेस्ट बाकी सारे नाश्ते से एकदम अलग है और ये बहुत ही इजीली बन भी जाता है। तो हमने इसके लिए लिया है 4 से 5 आलू, जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। साथ में लिया है 100 ग्राम चावल का आटा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए, जिससे हमारा टेस्टफुल नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो तेल को मीडियम गैस पर हमने गर्म कर लिया है। तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। लहसुन को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन और चिली फ्लेक्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसे भी चला लेंगे थोड़ा सा। हम ये पोटैटो बाइट्स चिली और गार्लिक के फ्लेवर वाली बना रहे हैं। तो लहसुन और चिली फ्लेक्स फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और मीडियम गैस पर इसे उबलने देंगे। थोड़ा सा इसे भी चला लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ा सा कम डालें या फिर इसे स्किप कर दें, क्योंकि बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। तो अब हमारा पानी उबल चुका है। अब इसमें डाल देंगे चावल का आटा और मीडियम गैस पर इसे चलाते रहेंगे। याद रहे, आटा डालकर हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे से बैठ ना जाए और इसमें गुथलियाँ भी ना बने। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि चावल के आटे में पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है और आटा भी हमने जितनी ज़रूरत हो उतना ही डाला है, क्योंकि आटे के मिक्सचर को हमें मीडियम ही रखना है। अगर ये ज़्यादा कड़क हो गया तो हमारे बाइट्स आसानी से बन नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही इसे प्रेस करते जाएंगे और चलाते रहेंगे, जिससे कि ये कच्चा न रहे, अच्छी तरह से पक जाए और इसमें से पानी भी सूख जाए। तो आटे में से सारा पानी सूख गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे आलू। एक चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बाद में इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे, जिससे कि आलू आटे में मिक्स हो जाए। तो आलू आटे में मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। बाद में ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चावल के आटे में कॉर्नफ्लोर डालने से पोटैटो बाइट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसीलिए ही ये बच्चे और बड़े सबका फेवरेट नाश्ता है। तो हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल और इसे चिकना कर लेंगे, जिससे हम आसानी से इसके बाइट्स बना सके। और फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें आलू के कोई मोटे टुकड़े न रह जाए और हमारा परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाए। ये पोटैटो बाइट्स बनाते वक्त हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि इसका डो ज़्यादा कड़क भी न बने और ज़्यादा नरम भी नहीं। तो हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब लकड़े का बेस लेकर इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। हमने बेस को तेल से चिकना कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथों से इसे हल्का सा मसल लेंगे और बाद में हाथ की मदद से हम इसका रोल बना लेंगे। रोल हमें मीडियम ही रखना है। देखिए, इसी तरह से हम इसका रोल बना लेंगे। तो हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है और हमने रोल को मीडियम ही बनाया है। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से इसके 1-1 इंच के टुकड़े कर लेंगे और हम ये बाइट्स बना रहे हैं। तो इसका शेप हमें ऐसा ही रखना है और जब तक हम इसके टुकड़े करते हैं तब तक हमने तेल को मीडियम गैस पर गर्म करने के लिए भी रख दिया है। और देखा आपने, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो हमने रोल को 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1-1 करके थोड़े से बाइट्स डालेंगे और इसे मीडियम गैस पर फ्राई कर लेंगे।
और तेल में डालने के बाद तुरंत इसे नहीं पलटना है, थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, बाद में पलटेंगे, जिससे हमारे सारे बाइट्स एक दूसरे से चिपक न जाए और अलग अलग रहे। और बाइट्स को हम ऐसे ही पलटते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आजकल तो लोग बाहर का खाना खाने से भी डरते हैं, तो हम घर पर ही आसानी से इतना टेस्टफुल और फ्रेश नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इसे देखने से ही पता चल जाता है कि ये एकदम क्रिस्पी बन चुका है। और इसी तरह से हमने बाकी बचे आटे में से भी बाइट्स बनाकर फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए, अब बनकर तैयार हो गया है हमारा टेस्टफुल नाश्ता, चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। और इसमें चिली और गार्लिक का टेस्ट तो है ही, लेकिन इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, क्योंकि चीज़ डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और लुक में भी एकदम यमी लगता है। और देखिए, इसे देखने से ही खाने का मन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।